हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है सैटरडे मॉर्निंग, सुबह के 8 बज रहे हैं। तो स्वास्तिक को मैंने फुल स्वेटर और फुल वुलन कपड़े पहनाए हुए हैं क्योंकि मैं उसको बाहर घुमाने के लिए ले गई थी, और अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो क्यों लेके गई थी। तो अभी आप देख सकते हैं बाहर पे थोड़ी सी धूप भी आई है, मतलब सुबह सुबह जब यहाँ पे सनराइज़ होता है ना तो यहाँ पे हल्की सी धूप आती है थोड़ी देर के लिए, और बहुत अच्छा लगता है। और आजकल तो ठंड स्टार्ट हो गई है, तो सुबह सुबह धूप में घूमना और धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे घर के काफ़ी सारे काम निपटाने हैं, तो इसीलिए स्वास्तिक को मैं वॉकर में बिठा दूँगी। उसको वॉकर में बिठा के फिर मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी, और मैंने अभी तक अपने दिन की शुरुआत भी नहीं की है। तो बाकी सारी चीज़ें मैं आपको आगे शेयर करूंगी। तो फिलहाल यहाँ पे जो मैंने एक दिन पहले डेकोरेशन किया था उसमें से फ्लावर निकल गए थे। एक्चुअली मैंने टेप वगैरह लगा के फिक्स किया था, वो निकल जाते हैं ना, तो मैंने उसको दोबारा से फिक्स कर दिया क्योंकि स्वास्तिक बार बार उसको पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा था, फिर वो सारा ही निकल जाता। तो सबसे पहले मैं एक गिलास गुनगुना पानी लेके बैठती हूँ, पानी पीऊँगी, और उसके बाद मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। और आज हमारे यहाँ धनतेरस है, मतलब सैटरडे को हमारे यहाँ धनतेरस मनाया था। बहुत सारे लोगों ने 23 को मनाया था, बहुत सारे लोगों ने 22 को मनाया था, तो हमारे वहाँ 22 को ही हमने सेलिब्रेट किया था धनतेरस। वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह के 8 बज गए हैं, आज है धनतेरस। तो आप सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं सबसे पहले। और सुबह सुबह 8 बजे मैं, लेकिन मैं एक गिलास पानी भी नहीं पी पाई स्वास्थ्य की वजह से, क्योंकि ना आज हस्बैंड को जल्दी जाना था ऑफिस, तो वो 7 बजे के करीब ऑफिस चले गए और वो 6 बजे उठ गए थे। उनके साथ साथ में ये भी उठ गए हैं मिस्टर स्वास्तिक। मैंने सोचा था सोऊंगी आराम से क्योंकि आज टिफिन वगैरह नहीं बनाना था, लेकिन ये मेरा प्लान कहाँ सक्सेस होने देता है। तो ये सुबह सुबह उठ गया पापा के साथ में, और पापा इसके चले गए ऑफिस को, फिर इसको पता चल गया, फिर तब से ये रोने में ही था। मतलब आधे घंटे तो ये पूरा रोया है जोर जोर से, और सबको अड़ोस पड़ोस में सबको उठा दिया होगा इसने रो रो के। तो अभी फिर मैं इसको बाहर घुमा के लेके आई स्वेटर वगैरह पहना के, अब जाके थोड़ा चुप है। मैंने इसको वॉकर में बिठाया है, अब मैं अपना दिन स्टार्ट करती हूँ और मुझे काम करने हैं। अब मुझे क्लीनिंग वगैरह करनी है, नाश्ता बनाना है अपने लिए, इसके लिए कितने सारे काम है, और इसने मेरा आधा एक घंटा वेस्ट करा दिया है पूरा। तो क्या कर सकते हैं, इसी तरह से मैनेज करना पड़ेगा। और आज बहुत सारे काम तो नहीं है, लेकिन मुझे जो है ना इसके लिए नाश्ता वगैरह बनाना है, और नहाने वगैरह का काम हो जाना, फिर आराम आराम से भी करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुबह सुबह अगर मुझे जल्दी से नहाने को नहीं मिलता फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब मूड खराब खराब से लगता है, बॉडी फ्रेश रहती है ना नहाने के बाद। तो इसीलिए मैं देखती हूँ, वैसे ही जल्दी उठ गया है तो मे भी जल्दी सो जाएगा, और बाहर बहुत अच्छी सी धूप आ गई है और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। बाकी के काम स्टार्ट करने से पहले मुझे कपड़े लगाने हैं वॉश करने के लिए, क्योंकि कपड़े टाइम से सूख जाएंगे ना, तो फिर शाम को मैं उनको फोल्ड करके अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर लूँगी। तो आज मुझे बड़े बड़े कपड़े मशीन में लगाने हैं वॉश करने वाले। बाहर वाले रूम की बेडशीट भी मैंने एक दिन पहले चेंज की थी, वो भी वॉश नहीं की थी, तो वो भी मैं साथ ही मशीन में लगा दूँगी। तो मशीन में कपड़े बहुत सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तभी लगाती हूँ मैं मशीन, और आज मुझे काम बहुत सारे थे, स्वास्तिक मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहा था, तो इसीलिए स्वास्तिक के कपड़े भी मैंने मशीन में ही लगा दिए थे। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट निकाल दी है, पिलो कवर वगैरह सब मशीन में लगा दूंगी मैं, चेंज मैं बाद में करूंगी, बाकी बेड वगैरह मैं बाद में टाइडी अप करूंगी। फिलहाल मुझे कपड़े लगाने हैं पहले, और उसके बाद मैं बाकी के काम निपटाऊंगी। साढ़े नौ बज गया, अभी स्वास्ती को मैंने नहला दिया है। बेटा आप ना अभी ठंडे में मत जाओ। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको नहलाया, एक्चुअली ना कल इसको नहीं नहलाया था तो आज इसे नहलाना ज़रूरी था, तो मैंने नहला दिया इसको। ये कपड़े मुझे धूप में डालने हैं, और सारी क्लीनिंग भी हो चुकी है। सबसे पहले स्वास्ती को बना के खिला देती हूँ, फिर उसको नींद भी आ रही थी, एक्चुअली मैं उसकी मसाज कर रही थी, मसाज करते करते वो सो रहा था, तो मैं उसको रागी पॉरिज बना के खिला देती हूँ, उसके बाद मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। आज मैंने सारे कपड़े मशीन में लगा दिए क्योंकि आज बहुत सारे काम है, अकेले इतना सब कुछ करना मुश्किल हो जाता है,
तो मैंने स्वास्तिक के सारे कपड़े भी मशीन में डाल दिए हमारे कपड़ों के साथ में। लेकिन इसके कपड़ों में क्या दिक्कत होती है ना, किसी किसी में खाना वाना गिरा देता है, बीप वगैरह होते हैं और इसके हाथों की स्लीव्स वगैरह उनमें खाना वाना लगा देता है, तो वो साफ नहीं होते मशीन में। तो देखूंगी अगर साफ होता है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे फिर से वॉश करना पड़ेगा। अब नोनो आ गया है अपनी बॉल के साथ खेलने के लिए। ये देखो दो दो बॉल खेलो। इसको नाश्ता करा दिया है और इस तरीके से ये टैडी पकड़ के खेल रहा है। तो अब मैं जो है अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, मुझे भूख लग रही है तो मैं फटाफट वाला ही बनाऊंगी। तो मैगी से अच्छा ऑप्शन तो कुछ हो नहीं सकता, तो ऐसे टाइम पे मैगी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है मेरे लिए जब मुझे कुछ बनाने का मन नहीं होता, और मैगी तो ऑलवेज बेस्ट रहती है। इसमें थोड़े से मैं मिलाती हूँ फ्रोजन मटर और जल्दी से मटर वाली मैगी बनाते हैं और साथ में गर्मा गर्म चाय। तो यहाँ पे मैगी जो है मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। इसमें मैंने प्याज और जीरे का तड़का लगाया है, एक हरी मिर्च मैं इसमें डाल दूंगी, साथ में मटर। इसमें मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ, पहले जब मैं मैगी बनाया करती थी तब मैं टमाटर भी डालती थी और एक्स्ट्रा मसाले भी डालती थी, वैसे भी बहुत टेस्टी बनती थी। लेकिन आजकल सब जल्दी जल्दी वाला होता है नाश्ता और लंच वगैरह, इस तरीके से भी बहुत टेस्टी लगती है। तो बस ये मेरा सिंपल सा ऑल टाइम फेवरेट नाश्ता तैयार हो गया है। दोपहर के 1 बज रहे हैं और स्वास्तिक को मैंने 10:30 बजे सुला दिया था और वो तब से अभी तक सोया ही हुआ है। करीबन 2.5-3 घंटे होने वाले हैं कंप्लीट, और क्योंकि एक्चुअली वो जल्दी उठ गया था ना सुबह, तो उसकी सुबह वाली नींद और अभी नहाने के बाद वाली नींद वो दोनों एक साथ ही पूरी कर रहा है, और मुझे इसके बाद पता है वो शाम को नहीं सोएगा। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो फटाफट से एडिट करके अपलोडिंग पे भी लगा दिया है। तो मतलब इतने महीनों में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं 3 वीडियो रेगुलर अपलोड कर पा रही हूँ स्वास्थ्य की वजह से। ही इज सो कोऑपरेटिव, मतलब कभी कभी कोऑपरेट कर लेता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ भी नहीं करने देता, 1 मिनट का भी वीडियो एडिट नहीं करने देता है। तो लकीली आज मैं 3रा वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, वो भी रेगुलर। तो अभी कपड़े यहाँ पे कुछ इस तरह से बिखरे हुए हैं, ये मुझे फोल्ड करने हैं, और मुझे अपने लिए लंच नहीं बनाना है क्योंकि कल रात की लेफ्ट ओवर सब्जी रखी हुई है, मैं उसके साथ राइस बना लूँगी। तो अकेले ना चल जाता है इस तरह से, और सर्दियाँ चल रही हैं तो खाना ख़राब भी नहीं होता है। मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखी थी लौकी की सब्ज़ी, तो मैं चावल के साथ खा लूँगी। इसलिए मैंने सोचा पहले ये यूट्यूब मतलब एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर के टाइम पर ऐसा होता है ना, वो डिस्टर्ब करता है, चिल्लाता है और बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर आता है, तो फिर मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मैं अजय से वॉइस ओवर भी नहीं कर पाती हूँ। तो वो काम मेरा हो गया, बाकी काम बर्तन अभी मैंने वॉश किए हैं मॉर्निंग वाले, तो आज सारे काम जल्दी जल्दी हो गए। और इस तरह से ना अगर मेरे काम भी होते रहे और स्वास्तिक भी सो जाए तो फिर कोई टेंशन नहीं है। अगर फिर काम नहीं होते ना तो फिर वो लगता है कि काम इतना सारा काम है, हो नहीं पा रहा है, फिर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी होता है और बॉडी भी बहुत ज़्यादा थक जाती है। बॉडी के साथ साथ माइंड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है और थक जाता है। दोपहर के 1:30 बज गए हैं और स्वास्तिक जो है सो के उठ गए हैं। बेटा आप उठ गए, सो के उठ गए ना, कितने घंटे सोए थे ये बता दो सबको आप। ये पूरे 3 घंटे सोया आज, और अभी शाम को नहीं सोएगा। आज मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई है क्योंकि सुबह सुबह ये उठ गया 6 बजे, और मैं 6:30 के करीब उठती हूँ, और सुबह सुबह इतनी जल्दी उठना मेरे से ना हो नहीं पाता है आजकल, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं फिर नींद पूरी नहीं होती है। तो आज ऐसे हो गया सोने का, तो अब मुझे नहीं लगता शाम को भी ये सोएगा, और मुझे इसी के साथ खेलना पड़ेगा। आज सारे काम तो हो ही चुके हैं वैसे भी, और कपड़े मैंने फटाफट मशीन में लगा के वॉश कर दिए। कुछ कपड़े साफ हो गए थे, कुछ कपड़े ऐसे ही रह गए थे, अच्छे से साफ नहीं हुए, तो मैंने वैसे ही धूप में डाल दिए। इस बार ना बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं धनतेरस आज है, कुछ कह रहे हैं 23 को है। तो यहाँ 2 दिन मना रहे हैं धनतेरस, कुछ लोग कह रहे हैं 22 को, कुछ लोग कह रहे हैं 23 को। मैंने घर पे पूछा, मम्मी लोग भी वही कह रहे हैं, कल भी है परसों भी है, 2 दिन है, तो पता नहीं किस दिन है। लेकिन जो भी है, आज से तो दिवाली की स्टार्टिंग हो ही गई है, मतलब आज से पूरी त्योहार जो है शुरू हो गए, पूरे भैया दूज तक त्योहारी त्योहार, और दिवाली जो है पूरे भैया दूज तक रहेगी। तो अभी करीबन 3 बजने वाले हैं और हमने लंच कर लिया है, स्वास्थी को भी मैंने खिला दिया था, मैं उसको खिला देती हूँ, लेकिन जब मैं खाना खाती हूँ फिर वो मुझे बिल्कुल भी नहीं खाने देता है। तो इसीलिए जो भी मैं खाना खाती हूँ ना उसको थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराना होता है, अदरवाइज़ वो प्लेट में अटैक करता है, और मैं उसे दूर छुप के भी मतलब अलग बैठ के भी खाऊँ ना तो वो नहीं खाने देता, फिर वो रोता है, तो इसीलिए मुझे उसको साथ के साथ खिलाना पड़ता है। तो खाना वाना तो सब हो गया है, बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए थे, और यहाँ पर मैं स्टोव क्लीन कर लूँगी क्योंकि काफ़ी दिन से इसकी डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो अभी दिवाली की क्लीनिंग चली रही है, तो मैंने सोचा एक बार स्टोव को भी अच्छे से क्लीन कर लिया जाए। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैंने इसको सोप वगैरह लगा के स्क्रब कर लिया था, और इसके बाद गीले कपड़े से 2-3 बार स्पंज करके मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, तो मेरा स्टोव और कुकटॉप भी एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है।
अभी मैं यहाँ पे बेडशीट बिछाऊंगी और नोनो जो है फिर से ट्राइपॉड पकड़ के खड़ा हो रहा है, तो मैं बेडशीट बिछाने वाली हूँ यहाँ पे ये वाली। तो इस बार मैंने कोई भी नई बेडशीट नहीं ली है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल आप नए कपड़े लो या नई बेडशीट वगैरह लो। तो इस बार हमने क्या किया ना, मैंने ज्यादा डेकोरेशन का सामान भी नहीं लिया है, अभी तक कुछ भी नहीं लिया है डेकोरेशन के लिए, कुछ लास्ट ईयर का बचा हुआ है। और सिर्फ मैंने लाइट्स ली थी, दो लाइट्स ली थी, उसके अलावा और कुछ नहीं लिया है। तो अभी इस बार सिर्फ कपड़े लिए हैं स्वास्थ्य के लिए, विंटर के कपड़े, और हस्बैंड के लिए, हम सबके लिए दिवाली के कपड़े लिए हैं इस बार। तो इस बार डेकोरेशन का और बाकी बेडशीट वगैरह मैंने ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया है, क्योंकि बजट भी देखना होता है। तो ये बेडशीट नई है, वैसे बहुत सुंदर लगती है, लास्ट ईयर मैंने ली थी, तो मैं इसी को बिछा दूंगी, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है। और इससे पहले कि स्वास्तिक जो है मैट्रेस प्रोटेक्टर गीला कर दे, इसलिए मैं फटाफट से इसमें बेडशीट बिछा देती हूँ, फिर अभी मैं इसको थोड़ी देर में सुलाऊंगी अगर सोता है तो। करीबन शाम के 5 बज गए हैं, स्वास्तिक अब जाके सोया है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खेल रहा था और खेल खेल के थक गया, फिर मैंने उसे सुलाया है। तो क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादा देर सो गया था, तो इसीलिए शाम को सोने में उसे थोड़ा सा लेट हो गया है, वैसे वो 4 बजे तक सो जाता है। तो फिलहाल उसको सुला के मैंने काफ़ी सारे कपड़े जो वॉश किए थे वो सूख गए थे, तो उनको भी फोल्ड कर दिया है। ऑर्गेनाइज़ मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अंदर फिर मैं बेडरूम में जाऊँगी, थोड़ी बहुत आवाज़ होगी वार्डरोब वगैरह खोलने की, तो फिर स्वास्तिक उठ सकता है। तो इसीलिए मैं सीधा आ गई हूँ किचन में, और स्वास्तिक के लिए मैंने दलिया भिगो दिया है, मैं उसके लिए डिनर में दलिया बनाऊँगी, और उसके बाद अपने लिए चाय भी बनाऊँगी। तो मलाई जो मैं स्टोर करके रखती हूँ ना फ्रीज़र में मक्खन बनाने के लिए, तो काफ़ी सारी रखी पड़ी हुई है, क्योंकि इस बीच में दिवाली की क्लीनिंग में उसकी तैयारियों में बिजी रह गई थी। दो बड़े बड़े डब्बे मैंने स्टोर करके रखे हैं मलाई के, तो वो दिवाली के बाद ही मैं मलाई वगैरह, मलाई से मक्खन बनाऊंगी, उसके बाद घी बनाऊंगी। फिलहाल स्वास्थ्य के लिए मैं यहाँ पे सूजी का सेरेलेक तैयार कर रही हूँ, सूजी खत्म हो गई थी एक्चुअली। अगर पहले से रोस्ट करके रख लो ना, तो उस टाइम इंस्टेंट बनाने के लिए बहुत काम ईजी हो जाता है और काफ़ी सारा टाइम सेव होता है। इसके बाद लाइट्स मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, मैंने घर किस तरीके से डेकोरेट किया है दिवाली के लिए, जो कि आपने लास्ट व्लॉग में देख लिया होगा, इन केस अगर आपने लास्ट वाला व्लॉग मिस कर दिया है तो एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। तो साल में एक ही बार ऐसा मौका आता है इस तरीके से देखने का, बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा हमारी सोसाइटी का भी लुक एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि सब जगह लाइटिंग से कितना अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर लग रही है सोसाइटी। अभी सोसाइटी नहीं, सब जगह पे हरे घरों में इस तरह से लाइटिंग होती है ना, कितना सुंदर लगता है, मन करता है बाहर खड़े होके बस देखते ही रहो। शाम के 7 बजने वाले हैं और स्वास्थ्य घर में बाहर सब जगह लाइटिंग देख के आए सोसाइटी में, कितना अच्छा लगता है ना दिवाली के टाइम पे, रात को बाहर निकलने में बहुत मजा आता है। लेकिन ज्यादा देर रुक नहीं सकते थे, स्वास्थ्य को फिर ठंडा लग सकता है, मतलब बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि आप इसको ज्यादा गर्म कपड़े मत पहनाना। तो एक्चुअली ना बाहर पे तो ठंडा होता ही है, आजकल हवा भी चल रही है, देहरादून में तो ठंडा होता ही है और हमारे एरिया में ज्यादा ठंडा होता है सुबह शाम, तो इसको जब बाहर ले जाते हैं तब पहना देती हूँ, अंदर थोड़े से कपड़े में हल्के कर देती हूँ। तो अभी खाना वाना हमारा बन चुका है, हस्बैंड का आज कुछ पता नहीं है वो कब आएंगे, तो उनके लिए खाना भी नहीं बनाना है, वो डिनर बाहर ही करके आएंगे, डिनर वगैरह उनका सब ऑफिस में ही होने वाला है। तो शाम को भी 1-1.5 घंटा तो ये सो गया था। और धनतेरस के दिन हमारे यहाँ जो है बर्तन लिए जाते हैं, तो इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं लिया है बर्तन वगैरह, या फिर चांदी का सिक्का। हम लोग ना क्या करते हैं, हर साल चांदी का सिक्का ले लेते हैं, या फिर सोना ले लो, या फिर बर्तन ले लो, या फिर कुछ लोग झाड़ू खरीदते हैं, शुभ माना जाता है ये सारी चीज़ें खरीदना। तो आपके वहाँ किस तरीके से धनतेरस मनाते हैं और क्या चीज़ लेते हैं, कमेंट करके मुझे बताना। तो इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं, और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। तो आज है छोटी दीपावली, वैसे बहुत जगह पर आज धनतेरस भी था, तो आज भी हस्बैंड सुबह जल्दी चले गए थे, उनको ऑफिस के काफ़ी सारे काम होते हैं आजकल, तो वो तो बिज़ी हैं अपने काम में। फिलहाल स्वास्तिक तो काफ़ी पहले उठ गया था, मैं घर के काम निपटा रही थी, जो छोटे मोटे बेसिक काम होते हैं वो तो कंप्लीट हो चुके थे, नाश्ता भी हो चुका है। फिलहाल मुझे बालकनी क्लीन करनी है, उसके बाद मुझे कपड़े वगैरह यहाँ पे डालने होते हैं, तो पीछे साइड खेत है ना, उसकी वजह से यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत आती है, तो बालकनी तो डेली क्लीन करनी पड़ती है।
तो इसके बाद मुझे आज फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि सारी क्लीनिंग तो डन हो गई थी, सिर्फ फ्रिज क्लीन करना रह गया था। तो इसीलिए मैं सारा सामान निकाल के, इसलिए मैंने सारा काम जल्दी जल्दी कर लिया था क्योंकि मुझे आज फ्रिज क्लीन करना था, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए और स्वास्थ्य के साथ में तो कुछ ज़्यादा ही टाइम चाहिए होता है, तो इसीलिए सारे काम जल्दी निपटा दिए थे। और आज तो स्वास्थ्य का आराम से उठा था सुबह, तो इसीलिए मैंने सारे काम कर लिए बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से जब वो सुबह आराम से उठता है ना, तो मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी जल्दी जब उठ जाता है तो फिर तब दिक्कत होती है काम करने में, जैसे कि एक दिन पहले आपने देख ही लिया था। तो यहाँ पे फ्रिज के सारे अटैचमेंट निकाल के, सारे बास्केट निकाल के मैं इनको वॉश करूँगी, क्योंकि ये सारे डिटैचेबल हैं, तो वॉश करके क्लीन करो तो सही रहता है, अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। उसके बाद मैं इनको धूप में रख दूँगी सूखने के लिए, और उसके बाद मैं फ्रिज के अंदर क्लीनिंग करना स्टार्ट करूँगी। तो स्वास्थ्य को मैंने वॉकर में बिठाया हुआ था, क्योंकि वो अगर मैं इस तरीके से फ़र्श पर छोड़ूंगी तो वो बार बार फ्रिज के पास आता है, और फ्रिज तो उसका फेवरेट स्पेस है ही, आपने देखा ही होगा लास्ट वीडियोज़ में वो फ्रिज खोलते ही कैसे अटैक करता है। तो बस यहाँ पे फ्रिज के बाहर भी मैं एक बार क्लीन कर लूँगी, क्योंकि दाग धब्बे, फिंगरप्रिंट्स, पानी के छींटे इसमें पड़ते ही रहते हैं। तो अच्छे से सोप लगा के, स्क्रब लगा के मैंने बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से फ्रिज को क्लीन कर लिया है, और सारे अटैचमेंट मैंने इसके धूप में रख दिए हैं सूखने के दोपहर लिए। के 12:30 बज गए हैं और स्वास्थ्य के अंदर सोया है, अब तो वो उठने वाला होगा क्योंकि उसको सोए हुए 1 घंटा हो गया। और मैंने नहा लिया, कपड़े वगैरह भी वॉश कर लिए, और फ्रिज का सारा सामान निकाल के मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। स्वास्थ्य की कुछ मेडिसिन है, जब स्वास्थ्य को फीवर वगैरह आया था ना, उस टाइम डॉक्टर ने ये दी थी मेडिसिन, तो ये मैंने फ्रिज में रखी हुई है क्योंकि बच गई थी, उसमें लिखा था फ्रिज में स्टोर करना है खुलने के बाद। और अभी आज मैंने एक्चुअली फ्रिज कवर मंगाया है, तो जब फ्रिज का कवर आ जाएगा उसके बाद ही मैं ये सामान रखूंगी। और अभी मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो उठ सकता है, और अभी मुझे स्वास्थ्य के लिए खाना बनाना है, तो मैंने ये खिचड़ी के लिए दाल वाल भिगो के रखी है, तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ। तो पूरा घर क्लीन हो चुका है, सारी चीज़ें क्लीन हो गई, सिर्फ फ्रिज रह गया था, तो फ्रिज मैं इसीलिए क्लीनिंग कर रही थी क्योंकि मैंने कवर मंगाया था। और ये वाला जो कवर है, मैंने दिखाती हूँ एक बार, ये जो कवर है ये ख़राब हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह बुरी हालत में है, मतलब इसको कितने साल हो गए, 5-6 साल तो हो ही गए हैं, तो इसीलिए मैं इसको रिप्लेस करने का सोच रही थी। तो अंदर की मैट वगैरह भी मैंने मंगाई है, तो देखते हैं वो क्या कैसा रहता है। मैं वेट कर रही थी फ्रिज कवर का, तो मेरा फ्रिज कवर आ गया है, तो मैं दिखाती हूँ। इसके अंदर बिछाने के लिए ये मैट है, बहुत ही प्यारा सा, इसमें प्रिंट बना हुआ है। नो नो, ये लो, आप ये पकड़ो। ये है फ्रिज के ऊपर रखने के लिए कवर, बहुत ही प्यारा सा है ये, मुझे अच्छा लग रहा है। इसमें पॉकेट्स भी हैं, क्योंकि पॉकेट्स होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटा मोटा किचन डायरी वगैरह, छोटा मोटा सामान रखने के लिए अच्छा लग। तो अभी 4:30 बज गए हैं और स्वास्तिक अभी सोया है। आज उसके साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, तो वो आपको मैं आगे वीडियो में शेयर करूंगी कि क्या हुआ था। तो उस वजह से मैं बीच में कुछ भी शूट नहीं कर पाई और मैं फ्रिज भी ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाई। तो अब जाके वो सोया है, तो मैं फ्री होके आई हूँ और सबसे पहले मैं फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करूंगी, क्योंकि सारा सामान जो है मैंने फ्रिज से बाहर रखा हुआ था, फिर ज़्यादा देर बाहर भी नहीं रख सकते सब्जियाँ वगैरह। तो यहाँ पे फ्रिज अच्छे से क्लीन था ही, और तो सारा सामान मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। फ्रिज अच्छे से ऑर्गेनाइज करो ना, कितना साफ़ सुथरा लगता है, और वेल ऑर्गेनाइज फ्रिज देखने में और भी अच्छा लगता है, उसको बार बार देखने का मन करता है। और नए मैट जो लगाए हैं ना, मैट लगाने के बाद फ्रिज और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मुझे ये मैट काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये मेरे फ्रिज का फाइनल लुक है। हालांकि सब्जियाँ वगैरह बहुत सारी नहीं थी, नीचे वाली बास्केट पूरी खाली थी, तो सब्जियाँ हम लोग वैसे भी 1-2 दिन के हिसाब से ही लेके आते हैं, बाकी उसके अलावा दूध दही वगैरह जो एक्स्ट्रा सामान है वो मैं इसमें स्टोर करती हूँ। तो फ्रिज अंदर से पूरा ऑर्गेनाइज हो गया है, सारा सामान मैंने सेट करके लगा दिया है, और इसके बाद बारी आती है फ्रिज के ऊपर कवर लगाने की। तो फ्रिज एक बार मैं ऊपर से भी क्लीन कर दूंगी, काफ़ी सारी डस्ट उसमें इकट्ठे हो रही थी, तो ऊपर से क्लीन करके मैंने कवर लगा दिया है। और यहाँ पे मैंने फ्लावर वास रख दिया है छोटा सा, और इसके अलावा मैं फ्रूट्स वगैरह भी इसके ऊपर ही स्टोर कर देती हूँ। और ये साइड में जो फ्रिज ऑर्गेनाइज़र है, ये मैंने अपने किचन ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो में शेयर किए थे, बहुत ही यूज़फुल रहते हैं और काफ़ी सारा स्पेस इससे बचा सकते हो, काफ़ी कन्वीनियंट भी रहते हैं। तो मैंने फ्रिज के साइड में भी एक लगाया है, इसमें मैं नैपकिनस वगैरह स्टोर करती हूँ। तो ये फ्रिज का कवर है, बाहर से बहुत प्यारा प्रिंट आया है इसका, और इसका कलर जो है ना फ्रिज के कलर के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से मैच हो रहा है। और इसके बाद मैंने जो किचन के सिंक एरिया के पास ऑर्गेनाइज़र लगाया था, ये भी मैंने वॉश किया था, तो इसको भी मैं फिर से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो आज एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, स्वास्थ्य की एक्चुअली चोट लग गई, ये बेड से गिर गया था दोपहर के टाइम पे, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और आज थोड़ा सा मूड भी अपसेट हो गया क्योंकि इसके चोट लगी, और ये बेड से कैसे गिरा एक्चुअली, जो
स्विच बोर्ड होता है वहां पे चार्जर टंगा हुआ था और चार्जर पकड़ने के लिए ये कूदा और मैं पीछे से इसके पैर पकड़ ही रही थी तब तक ये पूरा नीचे गिर गया। और ये जो ये लगी हुई ना टाइल्स इसके कॉर्नर पे इसका मुंह लग गया और इसको चोट लग गई, बहुत ज्यादा ब्लड आया और मैं बहुत डर गई थी। एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, और चोट दिखाओ इसका अपर लिप आप देख सकते हैं इसमें स्वेलिंग है और इसके अंदर साइड थोड़ा सा कट लगा है और काफी सारा ब्लड आया। उस टाइम मैं डर गई थी तो मैंने हस्बैंड को कॉल किया और पड़ोस में जो भाभी लोग हैं वो भी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो मैंने उनको भी बुला लिया। बहुत डर गई थी तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा कट लगा है। उस टाइम पे तो बहुत रोया था, फिर मैंने मेडिसिन वगैरह दी, पेन किलर दिया और अभी ठीक है, खेल रहा है। उसके बाद सो भी गया था, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, वो भी बहुत ज्यादा डर गए थे, उनको भी आना पड़ा ऑफिस से, तो इसको सुला के फिर वो चले गए थे वापस। और अभी तो फिलहाल ठीक है, एक्टिव है और थोड़ा सा पेन हो रहा है टच करने पे, ये टच भी नहीं करने दे रहा है। तो आज मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मूड भी थोड़ा खराब हो गया, दिवाली के दिन इसने इस तरीके से कर दिया, अपना होंठ सुजा दिया पूरा और पूरी स्वेलिंग आ गई है, पता नहीं कब ठीक होगा ये, जल्दी से ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, बस यही अपडेट देना था मुझे और ये ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। मिलते हैं दिवाली वाले बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ, पीछे की डेकोरेशन आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं दिवाली वाले बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ। सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली, वैसे तो ये ब्लॉग जो है दिवाली के बाद ही आएगा। सबको हैप्पी दिवाली और अच्छे से एंजॉय करिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। चलिए बाय बाय।